तो हम वहां के पे गए सर, सतपाल नगर वाले ये चाहते हैं कि हमारा पानी भाभी नगर की तरफ उतार दिया जाए, भाभी कॉलोनी की तरफ। तो सर दोनों पार्टियों को बिठा के हमने बातें करी, इनको समझाया और जो बेस्ट पॉलिसी जो सजेशन था वो लाइन हमने डाल दी। एक अभी कनेक्शन रहता है, मेन रोड में कनेक्शन करना रहता है। सर हमने जो सुझाव दिया था ना जी, जो हमारी सेम ट्रिब्यूनल थी ना, वहां मुख्यमंत्री यहाँ पर आए कि हम वहां तो डाल देंगे, लेकिन 30 फुट का गड्ढा खोद के पाइप गिर गए, मट्टी गिर दी, पहले कनेक्शन तोड़ते फिर मट्टी गिर दी, रात के घर खोद गए हमारी लड़ाई और करा दी। और कोई अधिकारी को अभी हमारे जेल साहब आगे आ रहे हैं भाई। नहीं सर, जेल साहब एसपी साहब दोनों आगे आ रहे हैं। आपने खुद आगे देखा है, जेके सिर में छोड़ दिया आपने। सर जी मैं खुद आया हूँ, तो आप खुद क्यों नहीं बता रहे आप? सर जी लाइन डाल दी वहाँ पे, कनेक्शन बाकी है। सर जी ये कह रहे हैं, सर जनाब ये कह रहे हैं कि यहाँ से लेके पूरी बड़ी में लास्ट तक क्रॉस करके वहाँ तक डालो। जनाब दोनों तरफ के लोगों के कनेक्शन हैं और दोनों तरफ कनेक्शन टूटेंगे। और सर अभी भाई समस्या का समाधान किससे होगा? हाँ सर, सर एसडीओ साहब मौके पर गए थे, उसके बाद जो प्रपोजल थी वही ना अपने आप कर ली, सिर्फ 30 मिनट उसमें कनेक्शन ना जोड़ के वाटी गिर दी, फिर पहले कनेक्शन जोड़ो फिर उनको ऊपर वाटी। इसमें दोनों थोकों का आपस में थोड़ा सा मन मुटाव है ना, झगड़ा है ना। सर वो हमारा काम कॉम्प्रोमाइज हो गया था, और ये कहीं गया हम यहाँ तक कॉम्प्रोमाइज हो गया तो हम इसको एक दिन में दो दिन में पूरा करवा देंगे। ये इन्होंने अभी तक ये कहा कि हमारा काम प्रगति पर है, जितना काम हुआ उतने की फोटो ये साथ में लेके आए हैं, जो टेंडर लगा थोड़ा सा टाइम उसमें सारा ऑनलाइन कर रखा है सर, सारा सीट तो लग ही सकता है ऑनलाइन में। क्या जब हमारे रेट है आप उसके आधार पर ऑनलाइन टेंडर लगा सकते हैं। आप क्यों सोचते हो कि जिस दिन मैं आऊंगा उस दिन करना होगा? नहीं, जो लोग कहते हैं ना गब्बर आ गया तो नहीं नोटिस कर लो, पॉइंट नोटिस करा देंगे सर दो दिन अगर ना हो अगली बारी। ठीक है सर, चलो नेक्स्ट अशोक कुमार पुत्र श्री भूप सिंह करेंगे। आप जगह जगह ये ब्लॉक रख रहे जी, उसमें भी दिक्कत बन रही है जी, पीडब्ल्यू डी नाले बने। वो काम हो गया जी महाराज जी, लेकिन नाले और फलो दोबारा फिर खड़े की तरफ पानी आ रहा जी। इसमें मेरा भी ये कहना है कि गांव की जितनी वो आपने हमारी पीडब्ल्यू डी की नालियों पर जितने बोलते बात रखे ना, हाँ जी सरपंच क्या है कार्रवाई करेंगे, ये हटवाओ सारे आप अपना, ये सारे काम के लिए पुलिस हम नहीं बैठेंगे। मतलब कहने के लिए आप लोग भी आगे आओ, मेरा ये है अभिप्राय कहने का, और इनको हटवाओ। ये आगे जो स्टे है ना जा कोर्ट का नाले में, उसका हमने कोर्ट से टेकअप कर लिया है मैन कोर्ट से, और इसको छोड़ लीजिए वो झरना मिल जाएगा, तो इसकी कनेक्टिविटी करवा के वहां चला जाएगा। ये जो समय लग जाएगा टाइम है जो सटे है जी जमीन का, वहाँ नाला है जो टूट गया बंद हो गया जी पानी जी, वो नाले बिल्कुल भर गए। भाई जो नाला टूटा वो 100 रुपया करा दो करवा देंगे का नाला वो पीडब्ल्यू डी करेगा। आप अच्छा
हैदराबाद तो ठीक है ना, किसी बात ठीक है फोटो। हेलो सात जोड़ों का पानी कहीं निकासी नहीं, एक तो पानी की निकासी का प्रश्न होता है, दूसरे स्वच्छ पेयजल जो पिलाने का है एक उसमें भी बड़ी दिक्कत है। जो चार शिकायत करता है सभी इन्होंने लाल पशुओं के लिए मिनी हेल्पिंग रोटर लोन अप्लाई किया था सर्वे पे इन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया कि औरों को दे रखे हैं सर, उनके पास जगह है और जिसके पास भी जगह है कहाँ या आदमी बैंक पर लोन दे रहा है कौन है ये ग्रामीण बैंक का कौन है ये आपने लिया था लोन क्यों नहीं दिया आपने पूरा स्पेस नहीं था बाईस स्पेस नहीं था औरों को दे रखा तुमने तुम इस समय गड़बड़ करते हो ना वहाँ पे गड़बड़ करते हो ना भाई पूरे मंडल सस्पेंशन इसलिए बात मैंने क्या किया आप घर जाइए हमें छोड़ते रहे ऐसे कर जाइए नहीं आप रिपोर्ट आई बात इसी पर हुई थी कि कंप्लेनेंट्स ने कहा था कि औरों को दे रखे हैं हमें नहीं देते सर मैं इसी पॉइंट पे एक पॉइंट रखना चाहता हूँ हाँ जी आपके घर आपने सर पिछले मीटिंग में ये पॉइंट उठाया था कि इस मैनेजर ने अपने फैमिली ओवर में क्या ऐसे लोगों को लोन दिया जिनके पास किसी ने दिए है किसी ने दिए दे रखे बैंक ने दे रखे हैं ना ये बैंक का कर्मचारी है ठीक है तो जब दूसरों को दे रखे हैं इनको नहीं दे रहे इसका मतलब डिमांडिंग समझे की बात सर इसमें थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँ मैं नहीं कोई दूर जाए नेक्स्ट पॉइंट ये जरूरी था सबसे पहले दे रहे हैं हाँ वही आगे सारा रिपोर्ट टाइम पर आ गया सर उसके साथ हमने उसमें दौरा किया सर उसने पाबंदी की और सही भाव को मायना दिया तो सर मुख्य रूप से तो यही बात आई है कि वहाँ जो है शिकायत प्राप्त नहीं है इसलिए प्रॉपर तरीके से वो एरिया को निकास नहीं है सर इसमें जो इसका पीछे का थोड़ा तो हो रहा है सर की 2003 में सर की जमीन एक्वायर की गई 27 एकड़ जमीन थी 37 एकड़ जमीन थी सर आया तो नहीं आया सर कंप्लेंट से बात हुई थी ऋषि पार्क की पिछले मीटिंग के अंदर आया था सर और उसमें तो कोर्ट से डिसीजन हुए थे तो आपने डायरेक्शन दी थी डीए साहब से राय ले ली जाए सर तो डीए साहब ने तो अपनी राय दी है उसमें ये लिखा है निगम ने जो कार्रवाई कर रखी है वो ठीक है इनकी तरफ से जो कोर्ट के डिसीजन हुए हैं जिसमें ये हार चुके हैं अब आगे कोई इश्यू नहीं नगर निगम ने जी कोर्ट का आदेश है जी नगर निगम इसको भी नगर निगम को फ्लो नहीं किया जाए नगर निगम ने इसको फ्लो नहीं किया जाए अब तक क्या नहीं किया अवैध कब्जे के लिए अवैध कब्जे की कोर्ट है जी उसको नगर निगम को फ्लो नहीं किया शो नहीं किया कहीं नहीं किया कब्जे का भी है अच्छा दूसरी बात उसके बाद एसडीएम साहब से रिपोर्ट मैंने भेजी 2011 में जी उन्होंने एक्शन लेने के लिए रिपोर्ट लिखी है जी कि इसको एक्शन लिया जाए और वो भी आज तक नहीं लिया गया जी उसके बाद सेकेंडरी क्या ये सब उसके बाद मैंने पर्सनल वीडियो रिकॉर्डिंग भेजी है अवैध कब्जे की जी उसके बाद तो नगर निगम में अवैध कब्जे दिखाई दीजिए उससे पहले जो अवैध कब्जे दिखाई दीजिए
ये कुछ नहीं है। और साहब के भी आप कोर्ट का ऑर्डर आ गया। हाँ जी, मैंने डीए से पूछ लिया। हाँ जी, डीए ने रिपोर्ट दे दी। बिल्कुल कोर्ट का ऑर्डर मान्य है। बिल्कुल बिल्कुल, कोर्ट के ऑर्डर पे तो ना आप निकली कर सकते हो ना मैं सर। मैं बहुत बात कर रहा हूँ, जो मूल आधार है उसका लंबाई चौड़ाई उसको गवर्नमेंट कब्जा कर दिया जाएगा। सब कुछ कर दिया, गली का टेंडर कर दिए, गली बनाएंगे, जिनके रैंप है उनके रैंप तोड़ेंगे। ठीक है ना, 1700 इतनी रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक तोड़ी सड़क है उस हिसाब से। ठीक है, नौवीं जो शिकायत है जिला नगर योजना हम आपस में बात करें बाद में। हाँ जी, एफ आई आर कब दर्ज करवाई हमारी? 10 तारीख को मैं पिछली बार कब आया था? 10 तारीख तो इतना दिन क्यों लगे एफ आई आर दर्ज कराने? सर हमने परमिशन ली है, इससे परमिशन लेनी है। जब हमने कह दिया परमिशन की किससे जरूरत है? अनुराग सर आप मानते नहीं इससे परमिशन है, फिर आपने इतना टाइम क्यों लगाया? इतना टाइम क्यों लगाया आपने? अब आप बताओ 10 तारीख को हो गई, आज क्या तारीख है? 13 दिन में आपको ये तो आपने वही बात करी, आपसे समझ मैं बच दूंगा आपको, क्यों लेट कराई आपने? नहीं सॉरी का क्या मतलब है? इन लोगों को इंसाफ नहीं देना आपने? बस 10-10, 13-13 हजार सरकार से ले रहा है, इनको 9 हजार दे रहा है। इतनी लूट हो रही है तुम्हारी यूनिवर्सिटी में, क्यों नहीं करवाई आपने उस वक्त एफ आई आर? जिस वक्त मैं गया नेक्स्ट डे एफ आई आर दर्ज होनी चाहिए थी। सर हमने लेटर सभी लिख दिया था। लेटर किसको लिखना आपने? लेटर उस दिन आ गया था, बताओ नहीं 10 तारीख को हुआ है। इनकी एक्सप्लेनेशन क्या मंत्री कह रहा मेरे, मैं मंत्री हूँ विभाग का, सर जी नमस्कार। सर सर भाई एक मिनट पहले मेरे को कार्रवाई कर देते, मेरे एसडीएस को लिखो मेरे ऑर्डर है कि फॉर नेग्लिजेंस कैन एग्जीक्यूटिंग माय ऑर्डर इज एक्सप्लेनेशन की कॉल। चलो सर, हम आपके लंडर से कर्मचारी हैं और हमने ये कंप्लेन ही नहीं करी सर, किसी ने भी नहीं करी सर कंप्लेंट, ये झूठी कंप्लेंट है सर, हमें सारी चीजें दी जाती है। मेरे पास कंप्लेंट आई हमने थाने में दे दी, सुनो मेरी बात, तो ठेकेदार के कहने से आ गए यहाँ पे सर, हम तो सुनो मेरी बात। हाँ सर, नहीं ठेकेदार के कहने से नहीं सर, ठीक है हम तो भाई सुनो मेरे बात। हाँ सर, यहाँ वो भी आए थे जिनकी कंप्लेंट थी, ठीक है, तो हम सारी चीजें वेरीफाई करेंगे। हाँ सर, सारी चीज वेरीफाई कर लो सर, लेकिन कंप्लेंट सर झूठी है। भाई झूठी हो सच्ची हो झूठी पे भी मैं कर सर, मैं उसकी रिकॉर्डिंग है सर हमारे पास, कोई बात नहीं, पुलिस सब बुलावे पूछेगी। हाँ सर, जब करेगी ना अपने जांच, जब अनुसंधान करेगी अगली मीटिंग में मेरे को रिपोर्ट करेंगे ये, तो सब पता लग जाएगा ठीक कौन है गलत कौन है। ठीक है, चलो जी तो इसके लिए इन्होंने पिटीशन कमेटी है विधानसभा की, वहाँ भी कम्प्लेन 2013 में की थी। ठीक है, उस पिटीशन कमेटी के रिकमेंडेशन पे कलेक्ट्रेट में सर इस पे ऑर्गेनाइजर है, इस पे 35 लाख रूपए लगा दिए 2013 में सर, जो इसने भर दिया था। इसके बाद इन्होंने सेकंड कम्प्लेन ये की है कि जो ये बिल्डर है इसने इनसे जो पैसे लिए हैं वो 4 लाख रुपए इन्होंने सर बुकिंग अमाउंट लिया था, वो बुकिंग अमाउंट प्लस प्रीमियम उसमें जो लिया इनका वापस दिलाया जाए। तो सर इसके लिए इन्होंने परमानेंट लोक अदालत में ये लोग गए दोनों, और वहां पर इनके कुछ टर्म्स रखी गई, 7.5 लाख रुपए के आसपास ये लोग फैसला करेगी। मैं बिल्कुल कार्रवाई करने के मूड में हूँ, लेकिन मैं कोर्ट के समानांतर कार्रवाई नहीं करता, सिर्फ ये क्वेश्चनिंग के लिए उसने सर, वो हम उल्टी ले देंगे वापस। 8 साल 6 35 साल आप लोक अदालत में भी गए हो ना? हाँ जी, वहाँ बहुत सब कुछ प्रभु हो गया कि भाई इसने दो लोक अदालत का फैसला आएगा, आप मेरे पास आ जाना, मैं अक्षरशः लागू करवा, मैं फैसला नहीं कर सकता।
मैटर ही सब कुछ, मैं उसके ऊपर कोई इसको यहाँ डालना ही था आपने नहीं। कोई भी मैटर जो कोर्ट में है, जेरे गोर है कोर्ट के, वो मेरी ग्रीवेंस कमेटी में नहीं डाल, यहाँ से उसको ड्रॉप करो। उसमें जो है 96-80 गज के बदले जो है 2200 गज पे सहमति बन गई थी, अब भाई हम 2200 गज जमीन आपकी रिलीज कर देते हैं शमशान घाट के लिए। उसमें वो शमशान घाट था, हाँ जी, वंस डिक्लेयर्ड शमशान घाट इज ऑलवेज शमशान घाट, उसमें कोई उसका नेचर चेंज नहीं किया जा सकता, कोई उसमें प्लॉट नहीं काटे जा सकते, कोई मकान नहीं बजाया जा सकता, कुछ नहीं बनाया जा सकता। उसमें सर उसमें जो है प्लॉट वाला टूटा भी बाद में जो कर चुके हैं उसमें जो है 2200 गज उन्होंने बताया कि 2200 गज आपके जो है शमशान घाट था2004 में जो एक्विजिशन हुआ तो आपके पास गांव का कोई प्रस्ताव कोई रजिस्टर जिसमें संस्कार करते हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है कुछ है? कैसे सिद्ध करोगे कि वो शमशान घाट था 73 साल से? आप सिद्ध करो, मैं कार्रवाई करूंगा। जो भी भाग का सिद्ध है सत्य अगले बार ले आओ, कार्रवाई कर ले आओ, ठीक जो कार्रवाई आप डिपार्टमेंट से 2200 दे देंगे हम आपको, भाई वो अलग बात है। पहले तो मैं उसका फैसला करूंगा कि शमशान घाट में प्लॉट क्यों कटे, ठीक है? वो तो उसके बाद की वो शमशान घाट था इसके सबूत लेकर अगले मीटिंग में आओ, ये मैंने पेंडिंग रखी। सारी सारी जी कहते हैं आप लोग काम नहीं कर रहे, कल तो आपके छापे भी पड़े हैं। सर ऐसी बात नहीं है सर, ये जो कंप्लेंट है नहीं, आप लोगों के बीच कहते सुनते क्यों नहीं हो, ये यहाँ तक क्यों लोगों को आना पड़ता है? तो जो भी सारी आपके डिपार्टमेंट की 18 डिपार्टमेंट है, आपके डिपार्टमेंट की आ रही है सारी सर, कनेक्टेड डिपार्टमेंट है वो एसएसबीटी के साथ। हाँ जी, सर हमारा प्लॉट के सेक्टर में है, जमीन एक्वायर कर ली, डेवलपमेंट तो जितनी रोड उन्होंने अक्वायर की उसके बाद लेटर रिलीज हुआ कि हमने आप जो जमीन अक्वायर करनी थी कर ली, आपकी हमने 1278 गज रिलीज कर दी है, 1278 गज आपकी जमीन रिलीज कर दी है। अच्छा जी, फिर उसके ऊपर उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस सीवरेज चार्जेस एरिया चार्जेस जो कुछ भी लेना था वो सब ले दिया, उसी रसीद भी हमारे पास है। जब हमने कहा हमारी जमीन हमारे नाम रोड कर दी जाए जब रिलीज की है, वो कहते आपके नाम कोई जमीन ही नहीं है, आपके नाम कोई जमीन नहीं है। जब हमने कहा चार्जेस ले लिए, हाँ जी चार्जेस ले लिए सर, और कितनी जमीन थी 1278 में, वो कहते उन्होंने हमने रिलीज की है 1278 गज में 2006 में डेवलपमेंट का चीज लिया, हाँ जी 1200 रिलीज कब हुई है? 2006 में हुई सर, 2006 हाँ जी 1278 गज के डेवलपमेंट काफी क्लियर के हो गए। सर इसमें क्या है, इनका जो रिलीज हुआ जमीन वो 843 गज है सर, डीजी अर्बन स्टेट ने एक कनाल 8 मंडी 843 गज वो बन गया सर, उतना लैंड ही ऑर्डर में रिलीज है। मैं क्लैरिफाई करूंगा सर, एलएओ का जो ऑफिस है उन्होंने 2007 में एक लेटर जारी किया जिसमें लैंड जितनी ये बता रहे हैं उतना लिख के लेटर इशू हो गया सर, दो कनाल 18 बनने, हाँ जी। उसके बाद सर फिर क्लैरिफिकेशन मांगा गया डीजीयूएस से जिनके पास अथॉरिटी है रिलीज करने, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया सर एक कनाल 8 मरले 843 गज ही इनकी रिलीज है। तो
आज भी सर अगर रेवेन्यू रिपोर्ट देखें तो सारी जमीन हुड्डा डिपार्टमेंट के नाम एचएसबीपी के नाम आज भी नहीं है, वो सारी इन्हीं के नाम खड़ी है और इन्हीं के नाम खड़ी है सर। और उसके आपने ईडीसी चार्जेस भी ले लिए। ईडीसी सर जो उस टाइम एक्सेस एक्सेस जब आपकी जमीन ही नहीं है तो आपने इनसे चार्जेस कैसे ले लिए? देखो रिलीज रिलीज जो हुआ ना सर उसके अगेंस्ट जो है ईडीसी चार्जी जो मर्जी से रिलीज कर दो, मर्जी से एक्वायर कर लो सर। देश में प्रदेश में कोई कागज कानून नहीं है नहीं सर। तू था सारा गोविंदर से हुड्डा के राज में हुआ होगा। एक बात और सर, हमारी जमीन पे है ना आपके हमने प्रोफ भेज दिया, इसलिए कब्जा कर रहे हैं जी। हम पुलिस एसपी साहब से मिले थे, एसपी साहब ने एफआईआर दर्ज करा दी हमारी, पर जो बंदे हैं उनको एज इट इज वो कब्जा कर रहे थे हमारी। आपकी जमीन जमीन आपके नाम रजिस्ट्री आपके नाम है तो नाजायज लोगों ने कब्जा किया हुआ है। ये उनको ध्यान भी बिल्कुल नहीं चला करेंगे। पिछली बार आप सर वहाँ पे कदम नहीं आए थे, वहाँ से वापस भेज दिया वहाँ से वहाँ मिले नहीं थे वहाँ पर। वहाँ तो मीटिंग सर हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं है तो मैं बैठा ना सुनने के लिए सुन कर आप मैं सुन रहा हूँ और आप कह रहे सुनवाई नहीं सुन रहा हूँ मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ। आपकी जो जमीन है उसको इन्होंने पहले एक्वायर कर लिया फिर रिलीज कर दिया ठीक है जी। और आज ये कह रहे हैं कि वो हमारे नाम नहीं है आपके नाम है तो रेवेन्यू रिपोर्ट के नाम नहीं है क्योंकि सर डिपार्टमेंट के नाम पूरे सेक्टर का एक मिनट ये सर ऐसा था इसमें 1200 गज के लेटर को ये कहता है कि ये 1200 गज के आश्वासन एक चीज है। सेकंड ये था कि जो 1278 का प्रतिमा कौन सी 1278 गज रिलीज हुई है ये नोबडी नोज, ना स्टेट ऑफिसर जानता ना एलियर जानता ना इनको पता कि इनमें से कौन सी रिलीज हुई है। ये टोटल में से 1200 एक्वायर की है उसके आपने पैसे उठा लिए मिले नहीं आपको सर। हम एक्वायर नहीं करते सर ना हम रिलीज करते, हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं जो लैंड हमारे को मिला जो हमारे पास जमीन है उसमें आप मर्जी से सड़क बना दोगे मर्जी से मकान नीचे कदम नीचे जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट टाउन प्लानिंग होते कोई डिपार्टमेंट हो जब उनके पास रजिस्ट्री है उनकी जमीन की और आप उसमें अपने प्लॉट काट देते हो और फिर उसमें सड़क बना देते हो उसमें मकान कब्जे करवा देते हो तो लोग कहां जाएंगे? इनकी 1200 पूरी करो आप सर। वो आपके जब तमीमा नहीं हुआ आपके जब कोई प्रॉपर कागज नहीं है उसको आपने कैसे कर दिया? एक मिनट जो तमीमा पहले ऑफिस की ऐसी कर दी कैसे ऑफिस क्या होता है जो तमीमा कट के आ गया कहाँ कट के आकर इनकी जमीन तो आ गई इनकी एक फिनाल 8 मिनट ले एज पर ऑर्डर आ चुकी है सर। बाकी 400 जो पैसे दिए हैं वो कहाँ गए थे? किसने दिए पैसे? एग्रीमेंट किसने किया? जो इनकी जमीन आपने ली उसके पैसे किसके पास गए? इनको अगर इनका एक्सेस अमाउंट पे हुआ है अगर ये एप्लीकेशन दे हम रिफंड के लिए जो लैंड आपने इनकी एक्वायर की है उसके पैसे क्यों नहीं दिए इनको? 2 लाख 26 हजार तमगा थोड़ी मिल रहा है सर्विस टिक रही है कैमरे का ग्रैंड हो गया भाई जो कब्जा है वो तो एसपी साहब हटा होगा ठीक है सर्विस टिक इसका नाजायज कब्जा जो बैठे हुए हैं उनसे पूछो कि उनके पास क्या कागज है किस आधार पर बैठे हुए हैं। भाई सुनो मेरे पास मैं बोल रहा हूँ मैं तुम्हारा वकील हूँ ठीक है ना मैं तुम्हारा वकील हूँ तुम्हारी पैरवी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए मैं लड़ रहा हूँ तो अब मुझे तो बोलने दो ना मैंने सुन ली सारी बात जो नाजायज कब्जा हो तो हटवाओ सबसे पहले इनका और हाउसिंग बोर्ड का झगड़े के लिए सारा जो वट इज एक्सपेक्टेशन
उसके लिए हम कमेटी बनाते हैं, एडीसी, डीआरओ दो और इनका डिपार्टमेंट, इनके तो खराब ही है। एलओए को बनाओ क्योंकि सर एलओए तो किए ही है उसके, उन्हीं की डिपार्टमेंट से तो हुआ था, तो किए ही है ना, ना एक तो डीआरओ ठीक है, अब ना आज से सर एसडीएम ठीक है, आज से सर डीआरओ एलए एलओए ठीक, डॉक्यूमेंट नहीं है और भी खाली का बजट भी ले जाओ भाई, जो फर्जी नकली का सारा तो कमेटी में आएगा। अग्निश है जिला राजस्व अधिकारी तहसीलदार रोहतक, क्या झगड़ा जमीन जो है समर्थित नहीं, 9 कनाल जो है कुसमर लिए बनती थी लेकिन जो उसमें जो है उससे बात नहीं, वो हिस्सा करके टोटली ही जमीन बेचती, मेरी जमीन जो है उसमें हाँ बेचती है, मौके पर जो कब जो है जमीन 1 इंच नहीं बच रही थी और मेरा हिस्सा जो रिटर्न पहले थी। सर इस पर रिपोर्ट लीजिए के सलाह रोहतक से, उनके रिकॉर्ड के हिसाब से 2 करोड़ 17 लाख से ज्यादा वैल्यू हुई है, लेकिन आज सुबह इन्होंने बताया कि हमारी जमीन गुड़ा में रिलीज की हुई है, लेकिन उस रिलीज का हमारे रिकॉर्ड में कहीं कोई इंतराज नहीं है, तो जब तक वो हमें ऑर्डर मिल जाए उसके ऑर्डर के बेस पर ही इसकी छानबीन की जाएगी कि ज्यादा जमीन वैल्यू हुई है कि नहीं हुई है। रिलीज ऑर्डर तो दिखाओगे, वो मैंने दे दिया है डॉक्यूमेंट सारे, मैंने जो है 1 महीने पहले जब जो है 10 फीस दिया थी, उसके बाद जो है तहसीलदार लट्टा साहब थे यहाँ पे, उन्होंने मुझे बुलाया था, उस टाइम मैंने सभी डॉक्यूमेंट पेश कर दिए। मुझे अभी आज सुबह ये फैक्ट आया जब ये इनकॉर्पोरेट हो गई थी, एक मामला तंजील नहीं करोगे, तंजील करोगे तो साहब का आदेश है 180 भी लगाएंगे, इतने इतने सारे लोगों के एनर्जी वेस्ट करो, अगर सर तो मेरे में तो नहीं है तो 180 कार्रवाई कैसे की जाए। अब ये हुआ, इसमें ये हुआ कि आज सुबह ये फैक्ट आया कि तुम्हारा एक तो कोर्ट में मामला पेंडिंग हो गया, आज सुबह पार्टीशन का ये तुम लोगों ने कंसीड किया, दूसरा 15 कनाल 16 मंजिले लैंड एक्स्ट्रा तुम्हारे चारों भाइयों की और रिलीज हो चुकी है उल्टा से, उसमें से 2 कनाल 16 मंजिले 1/4 3 कनाल 16 मंजिले उसके हिस्से में आती है आपके ब्रदर के, तो ये सर ये फैक्ट हुए है ठीक है, कोर्ट के फैसले के बाद आना। नहीं सर इसमें ऐसा है भाई, ऐसा तो उसने क्राइम किया, तुम्हारा डिविजन ही नहीं हुआ, कोर्ट में है, मैं कैसे कर सकता हूं।